बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं, आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और नए उम्मीदवारों से भी मैं अपील करूंगा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि खर्च सोच समझ कर करें। ये चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक लग सकती है। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सुशील कुमार मोदी का ये ताजा बयान आपको सुना रहे थे। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, जिन्होंने सबसे पहले कल इस बात की जानकारी दी कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या हुआ, कैसे राज्य अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुशील कुमार मोदी ने जब यह खुलासा किया उसके बाद सरकार हलचल में आई और कल देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से सामने आए, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार, मतलब नीतीश सरकार, लगातार किरकिरी करवा रही है और नगर निकाय चुनाव के दौरान जो अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज की बात नीतीश कुमार करते हैं उनको कहीं ना कहीं धोखा दे रही है सरकार। सुशील कुमार मोदी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वाकई चाहती है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव समय पर हो तो उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद चुनाव कराने चाहिए। सुशील कुमार मोदी आशंका जता रहे हैं कि जिन परिस्थितियों में बिहार में आनंद फानंद में चुनाव की घोषणा की गई है वो कहीं ना कहीं संकट का कारण बन सकता है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट चुनाव की प्रक्रिया को झटका दे सकता है, यह आशंका सुशील कुमार मोदी जता रहे हैं। हालांकि कोर्ट के अंदर क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन बिहार में सियासी उबाल है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है एक बार फिर चलते चलते आपको सुनवा देते हैं। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं, आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और नए उम्मीदवारों से भी मैं अपील करूंगा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि खर्च सोच समझ कर करें। ये चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक लग सकती है।